नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमिति का पार्ट टू कराएंगे और इस त्रिकोणमिति के पार्ट टू में आप कुछ विशेष फार्मूलास जानेंगे और उन फार्मूला की सहायता से कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व करते हैं, ये देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे आपको त्रिकोणमिति में पढ़ा है आप लोगों ने कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और जो बचे रिमेनिंग जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो उनसे ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर, पहले आपको हम कुछ रिजल्ट लिखाएंगे नहीं, पहले रिजल्ट को निकालना बताएंगे और उसी के सहायता से आपके रिजल्ट याद कर लेंगे आप लोग, तो थोड़ा जल्दी से हो जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसे आपका लिखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर आपका दो एंगल दिए जाए उनका सम 90 डिग्री होगा तो इसको कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ लिख लें ए बराबर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस बी डिग्री, दोनों तरफ अगर हमने साइन ले लिया तो साइन ए बराबर ये हो जाएगा साइन 90 माइनस बी, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस ए। जब ए प्लस बी 90 डिग्री होगा, जब ए प्लस बी का सम 90 डिग्री होगा तो साइन ए किसके बराबर आपका हो जाएगा कॉस ए के बराबर, कॉस बी के बराबर, ठीक है। चलो साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाएगा या इसी को हम लिख देंगे साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर कितना आ जाएगा 1 डिग्री, ठीक है, या यही हो जाएगा साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, सेक बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से रिजल्ट आप इस तरह करेंगे और दूसरा रिजल्ट यहीं से निकलेगा साइन ए कॉस बी, और अगर ये कॉस ए है तो आपका सेक बी कॉस ए सेक बी बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपने देख लिए, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए कॉसिक बी का मान 1 होगा और कॉस ए सेक बी का मान होगा, कब, कंडीशन इज दैट ए द सम ऑफ ए प्लस बी ऑलवेज बी 90 डिग्री, ठीक है। आगे आप देखते हैं, जैसे टेन ले लिया आपने यहीं से, यहाँ से हम निकालना आपको बता रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आपको रटा नहीं रही, निकालना बता रहे हैं आपको, निकालना सीखना है एज अ टीचर। टेन ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा टेन 90 माइनस बी, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा जाएगा टेन ए और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपका कॉट बी, यानी टेन ए इधर आएगा 1 अपॉन cot b हो जाएगा cot b इज इक्वल टू 1, या फिर ये हो जाएगा tan a इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1। तो एक रिजल्ट आपका ये आया, सेकेंड रिजल्ट आपका ये है, थर्ड रिजल्ट ये आया और फोर्थ रिजल्ट है cot a इंटू cot b बराबर 1। बस चारों रिजल्ट किस तरीके के हैं, ये तभी हो सकता है एक जब आपका सम होगा 90 डिग्री, ठीक है भाइयों। ये था कुछ रिजल्ट्स जब a प्लस बी बराबर होगा, तो रिजल्ट आपने देख लिया साइन ए सेक बी इज इक्वल टू 1, कॉस ए सॉन ए साइन ए सेक बी, ये थोड़ा गलत है, कॉसेक बी होगा दोस्तों, सॉरी कॉसेक बी इज इक्वल टू 1, टेन ए टेन बी इज इक्वल टू 1, कॉट ए कॉट बी इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन से आप देखेंगे क्वेश्चन में कैसे इनका उपयोग होगा, प्रयोग होगा, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, अगले भी कुछ इसी तरह से होंगे, जैसे आपका हो जाएगा स्क्वायर अगर लिख लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, जी साइन स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, यानी ये हमने कितने एक रिजल्ट कितने निकाले 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट आए। अगर ए प्लस बी 90 होगा, एक बार फिर रिकैप करते हैं, यदि ए प्लस बी 90 है तो साइन ए सेक साइन ए इंटू सेक ए बराबर 1, कॉस ए इंटू कॉस एक इज इक्वल टू 1, टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1, कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन को आप देखेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी पर आधारित, फिर नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को कतई स्किप करने की कोशिश मत किया करो दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझो, एक फ्लो में समझो,
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, पहले आपको वीडियो पॉज करना है, इसके बाद अपनी तरफ से करने के बाद उसका सोल्यूशन देखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा, कॉट 2a 2 थीटा इंटू कॉट 3 थीटा इज इक्वल टू 1, और लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान देखना है। तुमने देखा अच्छा a प्लस बी बन, ए बी बन, कब बन होगा, कॉट ए कॉट भी तभी बन होगा जब इनका सम कितना होगा 90, यानी 5 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा बराबर 90 लिखा है, आप लोग कुछ गलत मत समझना, 90 बटे 5, 5 से काटोगे 5 कम 4 5 18 अंश, तो कितना आ गया 18 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दे रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू सेक 65 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। दोस्तों पहले आप ये देखिए, थोड़ा आपकी वीडियो में क्लियरिटी नहीं आती है, बहुत दोस्तों के कमेंट आते हैं कि सर आपकी वीडियो में क्लियरिटी नहीं आती। दोस्तों आपको थोड़ा अपनी क्लियरिटी बढ़ाना है, ठीक है, और स्पष्ट दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के लिए हमें केवल आवाज़ चाहिए, उसी में हम पढ़ सकते हैं। तो साइन है और ये तुम्हारा कितना होता है वन, कब होता है साइन, दिमाग में आया साइन, ये इन दोनों का सम देखो क्या 90 यार, 65 25 90, ओके, और जब 65 25 90 है तो साइन ए सेक ए का मान क्या होगा वन होगा, कितना होगा दोस्तों वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये क्वेश्चन है 10 23 इंटू 10 67, इसका इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 23 10 67 क्या, इनको जोड़ो, इनका मान कितना आ गया 90, और जब इन दोनों का सम 90 है तो 10 a into 10 भी बराबर 1 होता है, आंसर क्या होगा 1। ये सेकंडों के क्वेश्चन है, इसी तरह से आप क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन है 10 10 डिग्री 10 10 डिग्री 10 25 डिग्री, अगला क्वेश्चन है इसी में 10 65 डिग्री और 10 80 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से पहुंच करो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। स्क्रीन पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आप ऐसे ही देखिए इन क्वेश्चनों को, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ रही है। तो 10 10 तुरंत तुमने देखा अच्छा, 10 और 80 इन दोनों को जोड़ दिया 90, और यहाँ पर 25 और 65 ये भी जोड़ दिया 90, कहने का मतलब इनका आंसर कितना आ जाएगा सीधा सीधा 1, क्योंकि 10 into 10 भी बराबर 1, जब दोनों का सम 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री, 1 into 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि कह रहा है कॉस 40 डिग्री एंड कॉसेक 50 डिग्री, कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री, तो देखो 50 40 90, कितना हो गया 90, कॉस के साथ कॉसेक आया 90 सम आया, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा, इसका आंसर कितना होगा 1 आपका आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन है 10 90 माइनस थीटा, क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्री एग्जाम में से ज़रूर आते हैं। तो ये आया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा माइनस 5। तुमने देखा कॉस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, तभी इक्वल हो सकता है जब इन दोनों का सम 90 होगा, कहने का मतलब 90 माइनस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 5, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये आपका आया 2 थीटा और 2 थीटा बराबर कितना आ गया 5 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 5/2 डिग्री, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 5/2 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये एक टाइप के आपके क्वेश्चन थे। ऐसे ही तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आप जल्दी से इसको करिए, लिखा है आपका कि कॉट एक्स 50 बराबर 10 80 माइनस 2x, यानी कॉट 2x कॉट 10 के बराबर तभी होगा जब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 50 जब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x में से x गया माइनस की x आ गया, और ये 80 में से 50 गया प्लस के 30 और ये तुम्हारा 90, यानी माइनस x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 माइनस 30, यानी माइनस x इज इक्वल टू, ठीक है माइनस
एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 में से 30 चला जाएगा 60 डिग्री, तो कितना आ गया आपका 60 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, आप सॉल्व करोगे क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स मतलब प्लस का जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 90 और प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, तो तुम्हारा आ जाएगा माइनस से माइनस कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो अभी हमने फार्मूला कराए उसी पर आधारित ये क्वेश्चन थे। आगे आपके कुछ क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन से, जैसे कभी कभार आपका पूछ दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 अंश का मान, 75 अंश का मान कितना होगा। ठीक है, इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 अंश का मान कितना होगा, 45 अंश का मान कितना होगा। तो कुछ वैल्यूज आपको रटनी पड़ेंगी और कुछ वैल्यू का आपको यूज करना पड़ेगा। तो कुछ वैल्यूज हम लिख रहे हैं, इनका आप रट लेना, उससे क्या होगा आपको थोड़ा क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद हम ये बता देंगे कि 75 की वैल्यू निकालोगे कैसे, एक निकालेंगे बाद बाकी आपको हम लिख देंगे, आप कोशिश करना। तो ये लिखा है साइन 75 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे लिखेंगे साइन 75 को दो ऐसे भागों में तोड़िए जिसकी वैल्यू सारणी में होती है, यानी जो आपको सारणी दी जाती है उसमें उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो 75 को तोड़ने के लिए भाइयों हम इसे 30 और 45 में तोड़ सकते हैं। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 45 अंश प्लस 30 अंश। अभी अब आया साइन 45 प्लस 30, यानी फार्मूला हो गया, एक फार्मूला होता है दोस्तों, इस फार्मूला को हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपका ए प्लस बी का फार्मूला है, इसी को यहाँ पर यूज़ करना है। तो साइन 45 प्लस 30 यानी ये आपका हो जाएगा साइन 45 प्लस साइन 30, और साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। ठीक है, साइन 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 और कॉस 30 का मान होता है रूट 2 अपॉन, प्लस कॉस 45 का भी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाती है 1 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आप इस तरह जोड़ देंगे। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, यानी साइन 75 की वैल्यू कैसे आई। तो साइन 75 की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे 2 रूट 2, इस चीज़ को आप रट लेंगे तो रटने से क्या होगा ना कि जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ निकालोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम सेविंग का मतलब ही होता है कंपटीशन। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लिखते चले जा रहे हैं, कुछ वैल्यू हमने निकाली हुई हैं, उन वैल्यू को वैसे ही आप लिखते जाएंगे। पहले आपको क्या करना है, उस वैल्यू को अपने मन से निकालना और निकालने के बाद जो दी गई है वैल्यू उसको याद कर लेना। ठीक है, तो जैसे हम लिख रहे हैं वैल्यू कॉस 75 की, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट। ठीक है, और यही आपकी साइन 15 अंश की वैल्यू होती है। क्यों, चलिए देखिए भैया कैसे, 75 को कॉस 75 को हम लिख सकते हैं, कॉस 75 को हम लिख सकते हैं दोस्तों साइन 90 माइनस 15, क्योंकि 90 माइनस 15 हो जाएगा 90 माइनस 15 सॉरी कॉस लिखना है यहाँ साइन नहीं, कॉस 90 माइनस 15 कॉस 75 ही हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा होता क्या है साइन थीटा, थीटा की जगह साइन 15, तो साइन 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। तो ये तुम्हारी साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 75, इस तरह वैल्यू निकालते चले जाएंगे। और हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, आपको इनको रट्टा मारना है, जैसे टेन 15 डिग्री, तो टेन 15 अंश, और टेन 15 अंश की वैल्यू हमने निकाली है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, इस ये तुम्हारी टेन 15 अंश की वैल्यू है और यही आपकी किसकी होगी इज इक्वल टू कॉट 75 अंश की वैल्यू। आगे लिखते हैं टेन 75 अंश की वैल्यू निकालोगे तो जो टेन 75 के अंश की वैल्यू होगी वो कॉट 15 डिग्री की होगी, तो टेन 75 अंश की वैल्यू निकाल आ जाएगी आपकी रूट 3, कुछ भी चेंजमेंट नहीं है, थोड़ा साइन का चेंजमेंट है, रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। नेक्स्ट आप लिखते हैं साइन 18 अंश की वैल्यू, जिसको आपको थोड़ा रटना है साइन 18 अंश की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो देखिए दोस्तों साइन 18 अंश यानी साइन 18 डिग्री,
साइन 18 अंश की वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है। और कॉस 18 अंश की वैल्यू कहा जाए तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन के होल अपॉन 4, ठीक है। ऐसे ही कॉस 36 अंश की वैल्यू कहा जाए तो कॉस 36 अंश की वैल्यू होती है रूट 5 प्लस 4 1 अपॉन 4, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। और साइन 36 की वैल्यू कहा जाए, साइन 36 अंश की वैल्यू तो ये हो जाएगी 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। साइन 22.5 अंश की वैल्यू निकालनी हो तो साइन 22.5 अंश की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन के 2। और कॉस 22.5 अंश की वैल्यू कॉस 22.5 अंश की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं, इन वैल्यू को आप रट लेंगे और रटने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन में, पहली बार तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं और आ जाएंगे तो उनमें वैल्यू पुट करके सीधे सीधे क्वेश्चन को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और नहीं तो पेन कॉपी उठा के आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। अब हम आगे लिखते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चंस। तो आगे क्वेश्चन करने से पहले इसको रफ कर दें। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कॉस 15 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 15 प्लस साइन 15 का मान क्या होगा। कॉस 15 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 15 प्लस साइन 15 का मान क्या होगा। दोस्तों हमें तो पता ही है इसका मान क्या होगा। चलो देखो, इसको पहले हम आपको बता दें कि हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर से कॉस 15 डिग्री कॉमन ले लिया तो 1 माइनस साइन 15 अपॉन कॉस 15 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 15 अंश की वैल्यू यहाँ रखोगे तो बहुत टाइम होगा, कॉस 15 अंश की वैल्यू है भी नहीं, ठीक है। निकालोगे आप तो बहुत टाइम लगेगा, 15 अंश की ये जो अभी एक लिखा है उसका वैल्यू पुट रखोगे बहुत टाइम लगेगा। आप यहाँ से नीचे से भी वही कॉमन लेना है कॉस 15, तो 1 प्लस ये आ जाएगा साइन 15 अपॉन कॉस 15, तो दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस ये हो जाता है साइन 15 बटे कॉस 15, 1 माइनस टेन 15 और 1 अपॉन टेन 15 अंश, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको बता रहे हैं कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, या दूसरा फार्मूला होता है टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस सॉरी माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखो, इसे हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, टेन 45 माइनस टेन 15 बटे 1 प्लस ये हो जाएगा टेन 45 और टेन 15। ये टेन 45 कहाँ से आ गया, यहाँ 1 लिख लो तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस बी का फार्मूला, यानी टेन 45 डिग्री माइनस टेन 45 माइनस 15 तो ये तुम्हारा हो जाएगा टेन 30 डिग्री, और टेन 13 टेन 30 का मान क्या होता है, एक बटे रूट का 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। तो आज के सेशन में इतना ही, तो सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट पढ़कर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब हम ज़रूर देंगे। आप वीडियो को शेयर करोगे बहुत लोगों में पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब आपके ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो उससे ये होगा कि वहाँ पर कंपटीशन का माहौल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को बढ़ने के लिए आप प्रयास करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।